नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के सबसे स्लो या यूं कहें कि दुनिया के सबसे आलसी जानवरों के बारे में। दोस्तों, ये काम करने में इतने स्लो और आलसी है कि इन्हें देख करके आप लोग यही सोचेंगे कि आखिरकार ये लोग अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं दुनिया के सबसे स्लो जानवरों के बारे में। नंबर एक, पिग्मी ब्लूटंग छिपकली। दोस्तों, ये छिपकली मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और वर्तमान समय में लुप्त होने की कगार पर है। ये अपने जीवन का अधिकतर समय मकड़ियों के बिल में गुजार देती है और ये उनके मुख्य द्वार पर खड़ी रहती है और वहीं पर आने वाले कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना पेट भरती है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये इतनी आलसी है कि पानी पीने के लिए भी बाहर नहीं जाती, बल्कि बारिश के पानी और ओस की बूंदों पर निर्भर रहती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि ब्लूटंग छिपकली अपनी लाइफ में ऐसा दूसरे अन्य शिकारियों से बचने के लिए करती है। नंबर दो, कोयल। दोस्तों, कोयल का नाम सुनते ही आप लोग एक ऐसे पक्षी के बारे में सोचने लगते हैं जिसकी आवाज़ काफ़ी मधुर होती है, लेकिन आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी कि कोयल अपनी लाइफ में एक आलसी पक्षी भी मानी जाती है। दोस्तों, ये इतनी आलसी होती है कि अपने लिए घोंसला भी नहीं बनाती, बल्कि अपने अंडे भी दूसरे पक्षियों के घोंसले में ही देती है। नंबर तीन, नर्स शार्क। दोस्तों, शार्क का नाम सुनते ही आपके मन में एक खतरनाक और खूंखार मछली का ध्यान आता होगा, लेकिन एक्चुअली में नर्स शार्क अपनी लाइफ में काफ़ी आलसी मानी जाती हैं। ये दिन का ज़्यादातर समय समुद्र के तल में सोने में गुजार देती हैं और रात में शिकार करना पसंद करती हैं। दोस्तों, ये इतनी आलसी होती हैं कि सांस लेने के लिए भी ज़्यादातर समय ऊपर नहीं जाती हैं, बल्कि अपने गल्फों में पानी को पंप करती हैं। नंबर चार, बड़ा पांडा। दोस्तों, बड़ा पांडा भी अपनी लाइफ में काफ़ी आलसी माना जाता है। ये दिन के लगभग 10 से 12 घंटे सोते हैं और जागने के बाद सिर्फ खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इनका खाना भी इनके आलसपन का एक मुख्य कारण होता है। ये अपनी लाइफ में बांस के पत्तों को खाना काफ़ी पसंद करते हैं, जिनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी कम होती है। नंबर पाँच, इकड़ियान। दोस्तों, यह जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इस जानवर को स्पाइनी एंटीटर के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत धीमी गति से चलते हैं और दिन में लगभग 12 घंटे तक सोते हैं। ये गर्म ऑस्ट्रेलियाई धूप से बचने के लिए ऐसा करते हैं। ये मुख्य तौर पर दिन में सोते हैं और रात के समय में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। नंबर छः, अजगर। दोस्तों, अजगर काफ़ी बड़े, भारी और विशाल सांप होते हैं। ये काफ़ी खतरनाक भी माने जाते हैं। दोस्तों, एक अजगर एवरेजली एक दिन में लगभग 18 से लेकर के 20 घंटे तक सोते हैं। इसी कारण से इन्हें दुनिया के आलसी और सुस्त जानवरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक अजगर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफ़ी मशक्क़त महसूस करता है, क्योंकि इनका शरीर काफ़ी भारी होता है और जब ये एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं तो ऐसा करने से इनके शरीर की ऊर्जा भी काफ़ी खर्च होती है। नंबर सात, दरियाई घोड़ा। दोस्तों, बड़े और विशाल शरीर वाले दरियाई घोड़े भी काफ़ी आलसी और स्लो जानवर माने जाते हैं। दोस्तों, ये अपने दिन का लगभग 16 से लेकर के 20 घंटा सोने में ही बिता देते हैं और ये मुख्य रूप से घास चरना पसंद करते हैं। जब ये घास चरते हैं तब ये लगभग 4 से लेकर के 5 घंटे तक लगातार घास चर सकते हैं। नंबर आठ, ओपोसम। दोस्तों, ओपोसम भी अपनी लाइफ में काफ़ी आलसी और स्लो होते हैं। ये एक दिन में लगभग 20 घंटे तक सोते हैं और इनके चलने की स्पीड भी काफ़ी धीमी होती है। दोस्तों, अगर इन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर खाना और रहने की जगह होती है तब ये अपने जीवन का अधिकतर समय वहीं पर गुजार सकते हैं। ये सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही अपनी जगह को चेंज करते हैं। नंबर नौ, कोआल। दोस्तों, कोआल मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये भी अपनी लाइफ में एक आलसी और स्लो जानवर माने जाते हैं। ये भी एक दिन के अंदर लगभग 16 से लेकर के 18 घंटे तक सोते हैं और इनके चलने की स्पीड भी काफ़ी कम होती है। हालांकि खतरे का आभास होने पे कोआल लगभग 18 मील की स्पीड तक पकड़ सकते हैं। नंबर 10,
कछुआ। दोस्तों कछुए के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि कछुए कितने धीरे चलते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जमीनी कछुआ एक घंटे में लगभग एक मील से भी कम चल पाता है, जिस कारण से कछुआ भी इस धरती का एक आलसी और स्लो जीव माना जाता है। नंबर 11 घोंगे। दोस्तों घोंगों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये मुख्य रूप से निशाचर होते हैं और इन्हें आप लोग अपने घरों के आसपास भी देख सकते हैं। दोस्तों घोंगा भी काफी सुस्त और स्लो जानवर माना जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि घोंगे एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा 50 गज तक की दूरी ही तय कर सकते हैं, जिस कारण से इन्हें भी दुनिया के सबसे स्लो और आलसी जीवों में से एक माना जाता है। नंबर 12 स्टारफिश। दोस्तों पांच पैरों वाले स्टारफिश भी अपनी लाइफ में एक स्लोएस्ट जीव मानी जाती है और इसके चलने की स्पीड भी काफ़ी कम होती है। एक स्टारफिश 0.06 मील प्रति घंटा की स्पीड से ही चल सकती है, जिस कारण से स्टारफिश भी दुनिया की एक आलसी और स्लो जीव है। नंबर 13 स्लॉथ। दोस्तों स्लॉथ को दुनिया का सबसे आलसी और स्लो जानवर माना जाता है। ये मुख्य तौर पर पेड़ों पर रहते हैं और अपने जीवन का सारा समय लगभग पेड़ों पर ही खाने और सोने में बिता देते हैं।